20 से ज्यादा राज्य हजारों की संख्या में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दिल्ली पहुंचे हैं। किसानों की तरह एक और आंदोलन दिल्ली में शुरू हो रहा है, ओपीएस को लेकर। इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल यानी 2024 को लोकसभा चुनाव। इस बीच 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से हजारों सरकारी कर्मचारी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र के सामने अपनी मांग उठाने के लिए एक रैली का आयोजन करते दिखे। पेंशन शंखनाद महारैली एनपीएस को हटाकर ओपीएस को लागू करने के लिए शुरू हुई है। मुद्दा तो सालों पुराना है, लेकिन राजनीति इस पर हावी है क्योंकि कई नॉन बीजेपी सरकार वाले राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिया गया है। खैर, इस रैली को केजरीवाल ने भी सपोर्ट किया है और कहा है कि भैया हमने तो सरकार से कहा है कि दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये लागू करें। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दिसंबर 2003 में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है, मतलब इंट्रोड्यूस किया एनडीए ने, लेकिन इस नई स्कीम को सही मायनों में जमीन पर उतारा मनमोहन सिंह वाली यूपीए सरकार ने। फिर आज वही कांग्रेस राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रही है। वैसे दिल्ली में जो हो रहा है वो चलिए एक प्लान करके अच्छे से किया जा रहा है, लेकिन सालों से टीचर, डॉक्टर और बाकी सरकारी एम्प्लॉयज भी ओपीएस को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। इसे मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना दिखाया नहीं जाता, वो बात अलग है। 25 अगस्त को ही 7.5 लाख कर्मचारी मास लीव पर थे। ऐसे कई मामले और मिल जाएंगे ढूंढने पर। खैर, अब जानते हैं कि एनपीएस ओपीएस में अंतर क्या है। अब अगर पूछे कि एनपीएस और ओपीएस में अंतर क्या है, तो ये कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उसमें पहले पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं होती थी, जो सैलरी होती थी उसमें कोई कटौती नहीं होती थी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी की वेतन से 10% बेसिक और डीए की कटौती होती है, यानी कि 10% सैलरी से हर महीने कटते ही है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा थी, ठीक है, लेकिन एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। पुरानी पेंशन में एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता था, लेकिन नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। अब आपको आगे के पॉइंट्स बताते हैं। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती थी, यानी कि जितनी सैलरी है रिटायरमेंट के वक्त उसकी आधी सैलरी मिलती ही थी, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से जो आपकी सैलरी कटेगी 10% उस पर सरकार 14% देगी और वो मिलाकर जाएगा एक फंड में, और उसके बाद वहां से वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जितना प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा, वो 5% हो 7% हो वो कोई पता नहीं। इसके आगे पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, लेकिन एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। ग्रेच्युटी पता होगा आपको कि जब भी आप किसी कंपनी में 5 साल से ज्यादा रह लेते हैं तो आपकी डेडिकेशन के लिए, क्योंकि आप कंपनी में इतने सालों तक रहे तो कंपनी आपको देती है ये, तो एक तरीके से ये वहां से दिया जाता है आपको, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई अस्थायी प्रावधान है, इसका कोई मतलब फिक्स प्रावधान नहीं है। मन हुआ तो दिया कंपनी की तरफ से, वरना नहीं दिया गया। इसके आगे ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। अब ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो भी पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफएमए है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। मतलब अब जो भी सरकारी एम्प्लॉयज होंगे वो इसे देख रहे होंगे, तो वो इन पॉइंट्स को समझ रहे होंगे कि आखिरकार क्या कमी है दोनों तरफ से। बेसिक कमी तो यही है कि जो ओपीएस के जब मिलता था तब लोगों को लगता था कि जो उनको पैसे मिलने वाले हैं, उनको पता होता था कि इतना पैसा मुझे मिलने वाला है, इतना पैसा जाने वाला है, लेकिन एनपीएस में ये लॉजिक थोड़ा अलग है। कई मामले ऐसे भी आए हैं जहां अभी रिसेंटली जैसे एम्प्लॉय की अगर सैलरी रिटायरमेंट के वक्त उसकी अगर 80,000 सैलरी है
तो उसको अभी रिसेंटली अगर एनपीएस के जरिए देखे तो पेंशन मिल रही है 2,000, 3,000, 2,500। तो इस तरीके से कर्मचारियों में रोष है, आक्रोश है, और वो इसीलिए ओपीएस की मांग सरकार से लगातार कर रहे हैं। पहले ये समझिए कि कौन इस एनपीएस के खिलाफ है। मोस्टली जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्विस में 1 जनवरी 2004 के बाद आया है वो एनपीएस के पूरी तरह फेवर में नहीं है। जो कर्मचारी फिलहाल नाराज है उनका कहना है कि पहले उन्हें पता होता था कि जब वो बूढ़े होंगे उनके पास कितना पैसा आएगा। उनका कहना है कि ये स्कीम हमसे ज्यादा शेयर बाजार के लिए बनाई गई है। ये लोग ओपीएस का फायदा गिनवाने लगते हैं, लेकिन जब ओपीएस हटाकर एनपीएस लाया गया तो इसका सरकार के पास एक ही जवाब था कि जैसे जैसे रिटायरमेंट की तादाद बढ़ रही थी सरकारी राजस्व पर असर पड़ रहा था। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ ओपीएस लागू कर दिया गया है, लेकिन ये बात भी सच है कि यहाँ की सरकार को भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पीएफ आरडीए में जो एनपीएस नियम के तहत पैसा जमा है कर्मचारियों का, वो राज्य सरकार को वापस नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि ये पैसा तो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया है नियम के तहत, हम आपको कैसे इतने पैसे वापस करें। तो ये भी एक दिक्कत है जो राज्य सरकार के सामने है। नियत अगर ओपीएस लागू करने की हो भी तो भी बिना केंद्र सरकार के साथ के ये मुश्किल या कह सकते कि नामुमकिन है। नीति आयोग, केंद्र सरकार और वित्त आयोग सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ओपीएस की बहाली पर कोई विचार नहीं हो सकता, ये केंद्र सरकार ने कह दिया है। इससे करदाता पर बोझ पड़ेगा और अर्थव्यवस्था के लिए ये खतरनाक है। अब अगर आप पूछे कि ये आर्थिक बोझ क्या है, तो इन्हीं ओपीएस वाले नॉन बीजेपी वाले राज्यों की बात करते हैं। सबसे पहले हिमाचल की बात करते हैं। यहाँ 2004 और 2005 में पेंशन का खर्चा अगर देखे तो वो था लगभग 591 करोड़। 2021-22 में पेंशन का खर्चा हो गया 7,082 करोड़। हिमाचल सरकार का ओटीआर यानी कि ओन टैक्स रिटर्न राजस्व पर बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि 70% से ज्यादा तो सिर्फ पेंशन देने में सरकार खर्च कर रही है। पंजाब में भी बात करते हैं, यहाँ 2004-05 में पेंशन का खर्चा 1,514 करोड़ था, लेकिन 2021-22 में ये बढ़कर 11,167 करोड़ हो गया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 2004 और 2005 में पेंशन का खर्चा लगभग 1,626 करोड़ था, लेकिन अभी अगर बात करें 2021-22 के आंकड़ों के तो यहाँ 25,473 करोड़ का खर्चा है। साफ है कि ये खर्चा कितना बड़ा है ये देखा जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सुधारी भी जा सकती है। इसके लिए सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, क्योंकि सोचिए जिस देश में 5 साल की सरकार में रहने वाले सांसदों, विधायकों को इतनी मोटी मोटी पेंशन मिलती है, वही 20 से 30 साल नौकरी करने वाले को कुछ नहीं मिलता। जो मिलता था वो भी खत्म हो गया है। आर्मी, नौसेना, वायुसेना, इन्हें ओपीएस मिलती है, हालांकि अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलती, जैसे सीआरपीएफ वगैरह। तो ऐसा सिस्टम जो समाज में एक तराजू पर एक समान किसी को ना तौले, तो इससे दिक्कत तो होगी। सोचिए अमेरिका अपनी जीडीपी का 7.5% पेंशन में देता है, यूके 5 और हम देते हैं 2.2। यूरोप में फ्रांस, इटली, ऐसे तमाम देश है जो 15% भी देते हैं। भाई पेंशन के मामले में 44 देशों की रैंकिंग में हम 41वें नंबर पर हैं, जबकि एक वेलफेयर देश है हम। तो साफ है ये मुद्दा तो सालों से है, लेकिन रिसेंटली जब हिमाचल में चुनाव हुए तो ओपीएस को एक अलग लेवल पर उठाया गया। कांग्रेस की सरकार भी बन गई इसके बाद, और इसके बाद ये एक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। अब क्योंकि बहुत सारे चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो राज्यों के हो, चाहे वो 2024 का इलेक्शन हो, अब देखना होगा कि ओपीएस इन चुनावों पर किस तरीके से हावी होता है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन इतना जरूर है कि ओपीएस का मुद्दा सालों से कर्मचारी उठा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक ये तरीके से पैसा नहीं है, बुढ़ापे के बाद उनकी सिक्योरिटी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।